जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। आज दिनांक 7 मार्च 2022 को ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल जामताड़ा के कैंपस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कबड्डी के सभी खिलाड़ियों को ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल के डायरेक्टर श्यामल मंडल की अध्यक्षता में सभी खिलाड़ियों को फूल के माला पहनाकर एवं सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला कबड्डी संघ की और जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कराई गई प्रतियोगिता में कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ज्ञान रेणु विद्या निकेतन वर्सेस जीएबी के बीच फाइनल खेल खेला गया था, जिसमें ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी कबड्डी खिलाड़ी, जिसमें रामजीत मुर्मू, जयप्रकाश टुड्डू, विजय राणा, राम मुर्मू, शिवराम मुर्मू, विवेक किस्कू, राहुल प्रसाद आदि सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए श्यामल मंडल ने बताया कि जामताड़ा में बहुत ही ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनको सही प्लेटफॉर्म मिलने पर सभी खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता। और श्यामल मंडल ने कहा कि शिक्षा जगत एवं खेल जगत में सभी खिलाड़ियों को उनके द्वारा जो भी सहयोग बच्चों के लिए करना पड़े हमेशा तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित संजय रमानी, किरण मैम, शशि शेखर सिंह, उत्तम मंडल, रिंकू कुमारी आदि लोग मौजूद थे। मेरे ज्ञान रेणु विद्या निकेतन के बच्चों भी बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं और हमारा फाइनल ज्ञान रेणु विद्या निकेतन वर्सेस डीबी के साथ खेला गया और इसमें ज्ञान रेणु विद्या निकेतन के बच्चे विनर रहा। कहते हुए बहुत खुशी होती है कि ज्ञान रेणु विद्या निकेतन में समाज के अधिवंचित वर्गों के लोगों को, जिनके आंखों में सपना होती है कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे इंसान बने, खेल जगत में एक अच्छा प्रतिभा बने, प्रतिभावान बने, तो उस बच्चे को हम लोग ला करके उसे एक बड़ा से बड़ा मंच तक भेजते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है और हमारा प्रयास भी आगे जारी रहेगी। मुझे आशा है कि उन गरीब वो आंखों में जो अपने बच्चे को ज्ञान रेणु विद्या निकेतन में दे करके एक जो सपना देखते हैं कि मेरे भी बच्चे एक बड़े से बड़े मंच में जाए, मेरा हमेशा उस सब अभिभावकों के पास ये वादा रहा कि वे अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें और हमारा आशीष उन बच्चों पर सदा बने हुए रहें।